डोंगरगढ़ के संवेदनशील नक्सल प्रभावित ग्राम कोलार घाट में अधेड़ महिला की बेदम पिटाई का मामला सामने आया है। गांव की वन सुरक्षा समिति की महिला सदस्यों ने 55 वर्षीय महिला रजवंतीन बाई की ऐसी पिटाई कर दी कि 5 दिनों तक उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। कई महिलाएं मिलकर एक महिला को बेरहमी से पीट रही थी, लेकिन कई लोग खड़े होकर मूक दर्शक बने रहे, बल्कि मोबाइल से वीडियो भी बनाते रहे। इंसानियत बिल्कुल भी नज़र नहीं आई। घटनास्थल पर वन विभाग के अफसर व कर्मचारी भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी छुड़ाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि वे दर्शकों की भूमिका में नजर आए। महिलाओं ने रजवंतीन बाई को बेहोश होते तक पीटा। यह घटना 5 जुलाई की है। उत्तर बोर तालाब वन परिक्षेत्र के अफसर व कर्मचारी कोलार घाट में अतिक्रमण हटाने गए थे। ग्राम कोलार घाट में गोपाल गंधर्व ने वन विभाग की जमीन पर कब्जा कर कच्चा मकान बनाया था। गाँव वालों की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई। रजवंतीन बाई ने इस दौरान गोपाल गंधर्व का पक्ष लेते हुए वन विभाग के कर्मचारियों को बताया कि गांव में कई लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है, सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए। यह बात सुनकर वन सुरक्षा समिति के सदस्य व ग्रामीण आग बबूला हो गए और रजवंतीन बाई की पिटाई शुरू कर दी। बेहोश हो चुकी रजवंतीन बाई को डोंगरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जिसे 5 दिन उपचार करने के बाद 9 जुलाई को डिस्चार्ज किया गया। पीड़िता रजवंतीन बाई ने बताया कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद भी उसके शरीर में दर्द है। उसने बताया कि उसके साथ मारपीट करने वाले वन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष सुखलाल कंवर व उसकी पत्नी पंच ललिता कंवर, उपाध्यक्ष व पंच पेमिन भाई, श्याम भाई, राम कुमार मंडावी, रेवती भाई, रामविलास पटेल, राधेलाल कंवर, संतोष वर्मा व कमलेश नेताम के नाम से बोर तालाब थाने में शिकायत दर्ज करवाया है। उधर दूसरे पक्ष ने भी पीड़िता के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है, जबकि वीडियो में दिखाई दे रहा है कि पिटाई रजवंतीन बाई की जा रही है। रजवंतीन बाई के सच्चाई बयां करने के बाद गांव की महिलाएं क्यों भड़क गई, यह बात वन विभाग के अधिकारियों ने जानने की कोशिश नहीं की। हो सकता है इन महिलाओं ने भी वन विभाग की जमीन पर कब्जा किया हो। इसकी जाँच वन विभाग को करनी चाहिए। DNX TV के लिए डोंगरगढ़ से सोमेश्वर सिन्हा की रिपोर्ट। घर लमा तोड़ करके अंदर में रहे हैं बान तेला गांव वाले मन हां हमला खींच के निकाली सी भी भात साफ सब निकाल कौन है कोई वन समिति वाले मन हां वन समिति वाले मन तुम्हारी रिपोर्ट लिखाओ बहुत तनाव बता मैं हॉस्पिटल आ रही हूं दो तो बोतल चढ़ी से और मोर सब कोई मारपीट करी ने मारे ही मोला तो फॉरेस्ट के कर्मचारी मन भी रहिस का मारिस था कर्मचारी मन रहिस से गांव वाले रहिस केठन बोतल चढ़ीस दो ठन चढ़ाई से बोतल अब आ जाओ बुला अब आवे कहीं थाना में रिपोर्ट लिखा है हां थाना में गए रहे थाना वाले पुलिस से धर के यहां लाख मल भर्ती करी से अच्छा ये कोलार घाट के मामला क्या है सर दिनांक 5/7/2020 का मामला है तो वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा बेजक कब्जा हटाने के लिए ग्राम कोलार घाट में गए थे तो वहाँ के ग्रामीणों द्वारा मिलकर वो हटवा रहे थे तो महिलाएं मतलब अधिक थी दोनों पक्ष में वाद विवाद हुए तो उसमें झूमा झटकी हुए तो थोड़ा बहुत मामूली चोटें आई थी वो इलाज करवाने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डोंगरगढ़ भेजा गया था तो उसको मुलाजा रिपोर्ट आ गई है दोनों पक्ष में अपराध पंजीबद्ध किया गया है धारा 294/323 एक में 34 है 5/6/34 और एक पक्ष में 294/323 IPC का मामला पंजीबद्ध कर अभी विवेचना में लिया गया है।